सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम नहाने जाने वाले हैं गुलदार वैली। आपने वैसे नाम नहीं सुना होगा, पर लोकल की जो पॉपुलेशन उन्हें काफ़ी नाम सुना होगा। गुलदार वैली काफ़ी अच्छी जगह है नहाने के लिए, प्लेस काफ़ी अच्छा है, टूरिस्ट भी वहाँ पे काफ़ी आता जाता रहता है। तो बेसिकली वैसे बताऊँ कि हम अभी नहा चुका हूँ, मैं भी जस्ट 5 या 10 मिनट पहले नहा चुका हूँ। इतने पे मुझे दर्शन दा का कॉल आया है और साथ में बबलू भाई का भी कॉल आया। बबलू भाई तो मुझे खैर आवाज़ ही दे रहे थे अभी घर के सामने से कि मैं नहा रहा था कि नहाने चलते हैं, नदियों पे चलते हैं, नदियों पे चलते हैं। तो मेरा मूड नहीं था क्योंकि मैं नहा चुका हूँ, नहा के भी हटाई हूँ। और दर्शन दा भी बोल रहे कि हम नहा चुके हैं पर हम फिर भी नहाने जा रहे हैं क्योंकि गुलदार वैली काफ़ी अच्छी जगह है। और अभी दर्शन दा बेसिकली रविदा को पिक करने गए हैं, उनको कहीं से पिक करके लाएंगे। RTO ऑफिस के यहाँ से वो क्यों वर्क काम करते हैं रविदा, तो उन्हें पिक करके आएंगे। और अभी हम वेट कर रहे हैं योगी का, योगी अभी बाइक लेके आने वाला है क्योंकि आज मेरे पास स्कूटी नहीं है, स्कूटी नितिन लेके गया है। और सामने बाइक है, बाइक पापा का लेके जाएंगे। और बबलू भाई भी घर पे खाना खा रहे हैं, वो भी आने वाले हैं, तो हम उनका वेट करते हैं भी थोड़ी देर। अपना तौलिया ले लेता हूँ जो हमें सर पे डालना है क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है। अभी नहा के अभी निकले हैं, फिर से नहाने जाना है, बड़ी प्रॉब्लम है पता है। तो देखते हैं। अच्छा, ये लोग आ चुके हैं, बबलू भाई और योगी बाइक लेके आ चुके हैं। तो आज हम ट्रिपल राइड करने वाले हैं। बेसिकली आपको ट्रिपल राइड करना नहीं चाहिए। हम गुलदार वैली जा रहे हैं और गुलदार वैली कुछ हमारे मटियाला गांव से लगभग 7 to 8 किलोमीटर दूर है। तो हम इतना दूर बेसिकली नहाने जा रहे हैं। भाई लोग गाड़ी लेके आ गए हैं तो हम चलते हैं। ट्रिपलिंग कर रहे रे पागलो, हेलमेट कहाँ है? स्टाफ चलता है यार, स्टाफ चलता है। चलो चलो, ये योगी है जिसके बाबा पुलिस में, ये कह रहा स्टाफ चलता है, इसका स्टाफ चलता है। योगी बचाएगा ना योगी? गाइस लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये नौटंकी ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो चुकी है सस सस करके अकलाने की। बोलो भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। और ट्रिपिंग तो खास तौर पे नहीं करनी चाहिए, बट हम ये गलती कर रहे हैं, पर आप लोग ये गलती ना करिएगा। तो हम आ चुके हैं गुलदार वैली पे कॉफ़ी। गुलदार वैली इज रिवर साइड होम स्टे, ओपन है। तो ये गुलदार वैली का बोर्ड है, ये सामने रूट है, ये कोसानी जाता है। तो ये ममर चिना कोसानी, हम पाती बगड़ चौड़ा है यहाँ पे। दर्शन दा आपका हेलमेट कहाँ है? और आज तो हम RTO ऑफिस के सबसे बड़े इंस्पेक्टर रविदा को लेके आए। रविदा दलाल बोल रहा है, तो भी सब नीचे निकल रहे हैं। मिटोर दर्शन दाई की न्यू मिटोर ये रही जो भी हाल ही पे लिए। तो हम चल रहे हैं यहाँ से नीचे को खुट्टरड़ी गे।
तो अभी नीचे को जा रहे हैं, ऊपर से रोड से नीचे रिवर साइड को जा रहे हैं। रविदत्त तो अपना मुँह ही छुपाओगे तुम। तो आज हम अपने द हिल कैली बॉय को मिस कर रहे हैं, गणेश बिस्ट को। वो हमारा एंटरटेनमेंट का साधन था। तो यहाँ पे गुलदार वैली का एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो भी ओपन है। तो हम चलते हैं अभी आगे। तो ये सामने भी कुछ टूरिस्ट आए हैं, नहाने आए टूरिस्ट यहाँ पे। तुम घर से नहा के आए थे, तो दोबारा नहाने के, मैं तो जस्ट नहा के फिर से आया हूँ। तो यहाँ पे छोटी छोटी मछलियों के बच्चे हैं, देखो जाते हुए दिख रही हैं आपको। तो ये नदी भी देखो बड़ी मछलियाँ हैं। सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं अभी। तो इस काफ़ी आते हैं, मैंने बताया था आपको गुलदार वैली काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पे RIP हुडो लिखा है। अरे बट यहाँ पे मैं आपको माल मसाला दिखाता हूँ लोगों का। लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं नदी पे, दारू पीने आए हैं। दारू पीने आए हैं, ये देखो रिवर साइड पे एंजॉय करने आते हैं, गंदा फैलाने। देखो क्या रखा है, ये तो कौन सी है, रॉयल स्टैग है ना, गॉड नोस, पर इन्हें खराब नहीं करना चाहिए। दसंदा कितना जिम किया आपने? जो भी दिखाएगा अपनी कार्ड जो भी होनी चाहिए। आपने 8 पैक्स दिखाए, 8 पैक्स प्रेडेटर। धूप में जा, धूप पे अच्छा आ रहे हैं। माल न्यूट्रिशन, ये द हिल गली ऊपर जा रहे हैं। सब लोग कपड़े उतार रहे हैं, उतारो उतारो सर, दे दो खोलो कंटेंट। तो भी सब लोग नहा रहे हैं, तो अभी हम भी ओपन करते हैं नहाने का। और ये सामने ऊपर रेस्टोरेंट है, पीछे जो ऊपर है वो रेस्टोरेंट है पीछे। तो सामने भी कोई अलग ग्रुप आया है बॉयज़ का, तो ये लोग अभी वहाँ आ रहे हैं। और दसंदा भी निकलने वाले हैं, बबलू भाई, बबलू भाई जा चुके हैं। योगी यहाँ पहले ही महफिल में तभी किन्नों के बीच घुस चुका है, अनजान लोगों के बीच में। योगी नहाने में कोई डरता नहीं है, योगी कहता है जिगरा बहुत है भाई के पास। रिस्क से है जिंदगी। अरे यार इधर फिर छीटे। तो नहाने को चलेगी मजा है। तो हम यहाँ पे हैं, पीछे काफी अच्छा है। और यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं, पीछे दर्शन कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे टाइम कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। टूरिस्ट देखो, कब मैंने बोला था कि गुलदार वैली पे टूरिस्ट काफ़ी आता है, काफ़ी अच्छी प्लेस है। अगर आप विजिट करना चाहें फातेहगढ़ मेन चौराहे पे, वहाँ से नीचे गुलदार वैली का आपको बोर्ड दिखेगा। तो देखिए टूरिस्ट लोग कितने हैं, काफ़ी लोग नहा रहे हैं, पूरा इन्जॉयमेंट है। आप आओगे ना फुल इन्जॉयमेंट, अगर आपको स्विमिंग आती है तो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए बैक साइड कितना ऊपर टॉप पे माउंटेन है पूरा। जब आ सकता है ब्रो, कहाँ है तो काफी लोग नहा रहे हैं, हम भी आए हैं। और इधर तो नहीं, किसका ट्यूबवेल चोरी करके आए हैं? बड़ा आरामदायक है भाई ये तो। छीटे मत करो ब्रो। तो देख रहे हो कितनी प्यारी नदी, आप यहाँ पूरा स्विमिंग कर सकते हो। और देखो अपर साइड कितनी बड़ी पत्थरों की चट्टान है, देखो काफी प्यारा। आप एक साइड आओगे, एक साइड काफी माउंटेन है, सेकंड साइड एकदम रॉक की पूरी हाई हील है, कितना बढ़िया। और ये यहाँ पे किसका ट्यूबवेल चोरी करके बबलू की डेड बॉडी निकलती हुई। तो देखो पूरी वैली कितनी बढ़िया है, अगर आप इंजॉय करोगे ना पूरी वैली, देखो पूरी वैली। देख रहे हो इतना फैट फैट बॉडी फैट के ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ पे दर्शन दर्शन आ रहे योगी भाई,
मेरा कैमरा उधर रखा है ब्रो। तो एक साइड डॉल्फिनिंग, सेकंड साइड भी ऐसी है, यहाँ से आप जंप कर सकते हैं, काफी अच्छा है। आप क्यों आ रही हो? कैसे करनी होता मेरे को किधर आता है? अब जो बोले वही बोले तो मैं ही नहीं कर लेता। जो बोल रहे बोलो ना, रवि तो बोलेंगे, रवि तो एंडिंग कैसे करोगे? हम आए थे गुलजार वैली, तो हमने नहा के काफी एंजॉय किया। तो बबलू और योगेश वहाँ जा चुके हैं, दसिंदा और रविदा तैयार हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे गुलजार वैली आपको मिलेगा, कौसानी हाईवे पे आओगे तो सामने पाती बिगड़ मेन बाईपास है, वहीं पे से नीचे को रूट है, आपको बोर्ड दिख जाएगा गुलजार वैली का, जो मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉक किया देखा होगा आपने, वहाँ पे गुलजार वैली का बोर्ड है, आपको दिखाएंगे। तो हमने नहा लिया है और बाकी जो गेस्ट लोग आए वो भी नहा रहे हैं, तो स्विमिंग करने आती है वो भी नहा सकते हैं, जिन्हें नहीं आता वो भी वाटर लेवल वहाँ पे काफी कम है वहाँ पे नहा सकते हैं, काफी अच्छी लोकेशन है। तो अब आते रहिएगा। तो हमने नहा लिया, हम अब घर को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम चलते हैं अब घर की ओर। तो हम चलते इसी के साथ व्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डू कमेंट ऑन माय चैनल। ओके बाय, टाटा, टेक केयर, टेसी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे।